आज का वचन का नाम है रिकवर। पहला सैमुएल 27 से 30वें अध्याय में हम जाएंगे। इस साल का प्रोफेटिक मैसेज भी है, क्योंकि साल की शुरुआत में ये मैसेज प्रभु ने मुझे दिया था और इस साल की शुरुआत में ये प्रोफेटिक सर्विस हमारी हो नहीं पाई, तो आज उस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे। मैसेज का नाम है रिकवर। हम हफ्ते भर हफ्ते दाऊद के जीवन पर मनन कर रहे हैं। दाऊद को गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और वो बदला नहीं लेता। और यही बात हम लोग को आज इस रूप से समझनी है। हम लोग बहुत से लोग हो सकता है आज थक गए हैं, बहुत से लोग आप एक ही प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं और आपको उससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। यू आर एग्जॉस्टेड, आपको आगे समझ नहीं आ रहा है। हम जितनी बार अपने हाथों में लड़ाई को लेंगे उतनी बार हम और तकलीफों में फंसते जाएंगे, लेकिन जितनी बार हम अपना भरोसा परमेश्वर पर डाल देंगे परमेश्वर हमको जय देगा। मैं हफ्तों हफ्तों ये बात कहता हूँ कि विश्वासियों को ये जानना बहुत जरूरी है। आप दुनिया कैसे देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया विश्वासियों के लिए बिना कष्टों के नहीं है, ये दुनिया विश्वासियों के लिए हो सकता है ज्यादा कष्ट है, परंतु परमेश्वर का वादा है तुम जय पाओगे। जब भी हम तकलीफों से विपरीत परिस्थितियों से जाते हैं तो उस समय परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु में आने के बाद तकलीफ में आते हैं और फिर वो प्रभु से दूर चले जाते हैं। तकलीफ में आते वो बैकस्लाइड कर जाते हैं, वो चर्च से दूर चले जाते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि एक बार एक रिलीफ मिलता है। अगर आप सब जगह से घिरे हुए हैं तकलीफों से, मैंने कई लोगों को कई बार चैलेंज किया है, बोले मेरी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। मैं बोला प्रभु को छोड़ दो, तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये तो हम लोग का टेस्ट है, हर जन को उस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और निर्जन प्रदेश उतना ही लंबा है जितना लंबा हम उसको चाहते हैं। आप बोलेंगे मैं पश्चाताप कर लिया, मैंने सब वो कर लिया, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है, जब अपना भरोसा परमेश्वर पर डालते हैं, हमारी सारी लड़ाई परमेश्वर की है, वो जंग फिर परमेश्वर की हो जाती है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए लड़ता है सर। तो जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एक बार शायद इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा अगर आप अपने मन की करेंगे तो, अगर आप प्रभु से दूर चले गए तो, लेकिन थोड़े समय बाद उसका प्रतिफल भी आपको जरूर मिलेगा। आज हमारा मनन इसी बात पे, आप पिछले भी हम जितने मैसेजेस को हमने इस सीरीज में सुना, हम एक चीज देखते, प्रभु दाऊद में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि दाऊद प्रभु का चुना हुआ है। प्रभु आप में बहुत इंटरेस्टेड है, प्रभु ने आपको त्यागा नहीं है, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन वो जंग प्रभु लड़ नहीं सकते जो आप उसको लड़ने नहीं देंगे। जब परिस्थितियां और तकलीफों में हम खुद अपने मन की अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन से शॉर्टकट से निकलना चाहते हैं, जब हम अपना इंसानी दिमाग लगाते हैं, तो तकलीफें पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि तुरंत आपको लगेगा एक रिलीफ है, लगेगा कि आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। तो बहुत से लोगों को मैं बोलूंगा अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो शायद प्रभु से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के लिए जीना डिफिकल्ट है। लेकिन जो प्रभु पर अपना भरोसा डालता है, प्रभु उसको शर्मिंदा होने नहीं देते, प्रभु उसको गिरने नहीं देते। और ये क्वेश्चन नहीं कौन परफेक्ट है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जितनी बार भी गिरते हैं प्रभु की कृपा भी है, प्रभु का अनुग्रह भी है कि वह हम पे प्रेम में हमको रिस्टोर करते हैं। आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो याद रखिए, इस साल का ये प्रोफेटिक मैसेज है जो वर्ड प्रभु ने मेरे को इस साल की शुरुआत में दिया था। और उस समय क्योंकि हमारी सर्विसेज नहीं थी और मैं उस सर्विस को नहीं ले रहा था, तो उस समय वो मैसेज प्रीच नहीं हुआ था। आज इस मैसेज को ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या बात हम लोग से करना चाहते हैं। हम लोग जब एक प्रॉब्लम में, हो सकता है पिछले साल आप इसी प्रॉब्लम में थे और आपने जय पा ली, आप 2 महीने पहले इसी प्रॉब्लम में थे आपने जय पा ली, आप प्रभु पर भरोसा करते रहे, लेकिन एक तकलीफ अगर चलती रहे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिले, तो हम लोग सब कहीं ना कहीं आके एक बार थोड़ा हार मान जाते हैं, एक बार अपने दिमाग लगाने की कोशिश करते, एक बार हम सोचते कि नहीं, एक बार हमने सब कुछ किया, हम ये काम करके देखे। अब दाऊद के लाइफ में वो स्टेज है, अभी तक वो फेथफुल रहा, वो डटा रहा, लेकिन अब दाऊद एक भारी कॉम्प्रोमाइज में चला गया। हमने एक और स्टोरी में देखा था कैसे दाऊद गैथ में जाता है, फिलिस्तीन में, और आशीष के सामने जाता है, फिर जब उसको मालूम चलता है कि ये पहचान गए, तो पागलों की तरह हरकत करता है। वो मैसेज अगर आपको याद है कि कैसे दाऊद अपने लोएस्ट पॉइंट में आ गया था, वो सौल से भागता हुआ, मतलब उसने अपनी पत्नी खो दी, अपना काम खो दिया, अपने दोस्त खो दिया, अपना काउंसिलर खो दिया, और लास्ट में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। उसके बाद ये सालों तक कहानी आगे बढ़ती है। अब ये पॉइंट आता है, दाऊद थक गया है। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आनंद खो देते हैं, वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की तकलीफों में पड़े, उसको आनंद का विषय जानो, क्योंकि ये तकलीफ अपने आप में एक
जबरदस्त काम विश्वासी के जीवन में करती है। आप में से या हम में से जितने लोग यहाँ हैं, हम तकलीफों में ही भिड़ हुए, तकलीफों में ही प्रभु से प्रार्थना करना सीखे, तकलीफों में ही प्रभु के करीब आए, तकलीफों में ही आत्मिक जीवन में बहुत बातों को समझे। अगर तकलीफें नहीं आती तो हम उस लेसन को नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर परमेश्वर है, गॉड इज गॉड, आई मीन परमेश्वर अच्छा ये सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर इसका क्या मतलब है कई लोग नहीं समझते। आई मीन परमेश्वर का परमेश्वर होने का क्या मतलब है कि मतलब जब परिस्थितियां विपरीत हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब मैं चारों ओर से तकलीफों से घिरा हूं, तब भी परमेश्वर परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही तकलीफों में उनको दृढ़ करता है, खुद उनके जीवन को रूप देता है। देखिए कोई भी, मैं भी आप भी, कोई भी तकलीफ से प्रेम नहीं करता, लेकिन एक बार तकलीफ आने से सवाल तोड़ जाता है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है, क्या वो सही में कंसर्न्ड है। आई मीन अगर है तो हमने सब कुछ कर लिया, मेरी सिचुएशन चेंज की नहीं, मैंने पश्चाताप कर लिए, श्राप तोड़ दिए, भूत निकलवा लिए, हाथ रख के प्रार्थना करवा ली, लेकिन मेरी परिस्थिति क्यों नहीं चेंज हो रही। गॉड इज गॉड, मेरे सरकमस्टेंसेस के बावजूद, मेरे तकलीफों के बावजूद, तो सकता आप एक ही तकलीफ में सालों तक है, आपको लगे आप त्याग दी गए, बट गॉड इज स्टिल गॉड। और परमेश्वर उस ऐसी ही तकलीफों में अपने लोगों को दृढ़ करते, अपने लोगों को संयम देते, अपने लोगों के अंदर आत्मिक फल उत्पन्न करते, अपने लोगों को अपने साथ चलना सिखाते हैं, अपनी आवाज पर भरोसा करना सिखाते हैं। तो आज आपको एक बात बताऊंगा कैसे आप जीवन में हर जंग जीत सकते हैं, क्योंकि एक रेवलेशन हम लोग को चाहिए। दाऊद अपने जीवन में कोई जंग नहीं हारता है, और अगर वो रेवलेशन हम लोग के पास है जो दाऊद के पास है, हम भी जंग जीतना चालू कर देंगे। उसको हम लोग देखेंगे आज वचन जब चालू करते हैं। पहला सैमुएल 27 की पहली पंक्ति में वचन कहता है, और दाऊद ने अपने आप से कहा, या दाऊद ने अपने मन में सोचा। अब परिस्थितियों से ऐसा घिरा हुआ है कि अब उसका पूरी सोच एक इंसानी सोच हो गई है। आई मीन आप किसी भी सिचुएशन को अगर अपने लेवल पे देखेंगे तो आप उसको अपने लेवल से ही डील करेंगे, लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन को परमेश्वर की नजरों से, उसके वचनों से देखेंगे, तो आपका व्यू, आपकी आपका जो दृश्य है जो आप देख रहे हो, बहुत अलग रहेगा। आप दाऊद का दृश्य पूरा इंसानी हो गया, वो दाऊद अपने आप मन में सोचने लगा ऐसा कब तक चलेगा, सॉल तो मेरे को मार देगा। तो हम पहली चीज देखते हैं कि दाऊद का जो सोच है वो पूरी इंसानी सोच बन गई, पूरा ह्यूमनिस्टिक व्यू हो गया उसका कि कैसे चलेगा, मेरा कैसे होगा। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद निराश हो गया, बोला, अब वचन उसी पंक्ति में कहता है कि मैं एक दिन सॉल के हाथों मारा जाऊंगा। अब उसकी रीजनिंग देखिए, वो बोलता है मैं मारा जाऊंगा। ये वही व्यक्ति है जिसका अभिषेक हुआ था इसराइल के अगले राजा के रूप, लेकिन अब यहाँ खड़ा है और उसको इसका फ्यूचर बहुत खराब दिख रहा है, इसको नहीं लग रहा कोई हो पर। हम लोग जब इस ढंग से सोचने लगते हैं, हम लोग के देखने का नजरिया बदल जाता है, फिर हम फ्यूचर के प्रति बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहते, हमको सब कुछ होपलेस लगता है, हमको लगता है हमारा कोई काम नहीं बनेगा, हमको लगता है हमारी परिस्थिति नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब हम सब कुछ ह्यूमन एंगल से देख रहे हैं, हमको लग रहा है हम त्याग दिए गए, हमारा कुछ हो नहीं सकता। और उस समय ना हम प्रोमिसेस याद रखते हैं, उस समय ना हम प्रोफेसीज याद रखते हैं, उस समय शायद कई बार वचन भी हमको याद नहीं आते। दाऊद अभिषिक्त व्यक्ति था, उसको इसराइल के अगले राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, लेकिन वो कन्विंस था कि अब मैं मर जाऊंगा सॉल के हाथों, अब मेरे को इस मैटर में कुछ करना पड़ेगा। और फिर जब आदमी ऐसा सोचता है तो फिर उसके तर्क इंसानी भी हो जाते हैं और वो तर्क के अनुसार जीना पड़ता है। वो बोलता है कि अब उसके हाथों मर जाए, इससे अच्छा हम फिलिस्तीन में चले जाए। मतलब हम इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे, इसलिए अब हम दुश्मन के खेमे में चले जाए। ये इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनों ने इसराइल पर कब्जा हमेशा करना चाहा, प्रभु ने टाइम टू टाइम अपने लोगों को उठाया जो फिलिस्तीन के जुए को तोड़े। दाऊद ने फिलिस्तीन के चैंपियन सैनिक गोलायत को मारा और जंग जीती, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध कई जंग जीती। ये गाना जो इसराइल में उस समय गाया जाता था, सॉल अपने हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, मतलब दाऊद ऐसा एक सैनिक था जिसने फिलिस्तीन के जुए को तोड़ा, उनके सैनिकों को हराया। लेकिन अब इसकी सोच बोल रही है, इसका तर्क बोल रहा है कि ये समय खराब है, परमेश्वर हमको छोड़ दिया, हम अपने आप पर है, सॉल हमको छोड़ेगा नहीं, वो मार देगा। इसकी परिस्थिति वैसी हो गई जो अंदर से विश्वासी है लेकिन बाहर से अब वो अविश्वासी की तरह जीने लग गए। बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, आप प्रभु में आ गए, आपको नया जन्म मिल गया, आपने प्रभु के प्रेम को चख लिया, और फिर आप में जब विपरीत परिस्थिति आई, आप अंदर से विश्वास करते हो लेकिन बाहर से आपका जीवन पूरा विश्वासी जैसे हो गया। तो ये इस समय सोचता है कि मेरे लिए बेटर है कि मैं अब फिलिस्तीन चला जाऊं। तो वचन कहता है दूसरी और तीसरी पंक्ति में कि दाऊद वहां से उठा और फिलिस्तीन चला गया। अब दाऊद अकेले नहीं गया, दाऊद अपने साथ
अपनी पूरी सेना को लेके गया। तो दाऊद की सेना में अब 600 लोग थे। दाऊद अपनी सेना को भी लेके नहीं गया, दाऊद अपने परिवार को, अपनी सेना को, उनके परिवार को लेके गया। मतलब 600 लोग और उनके साथ वो सारे परिवार दाऊद के साथ गए। दाऊद की दोनों पत्नी अहीनोम और अबीगेल, ये दोनों उनके साथ जाती है। जब हम लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हैं, उसका अफेक्ट उन सारे जीवनों पे पड़ता है जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। हमारी गलत चॉइसेस या गलत जो निर्णय होते हैं, जो गलत चुनाव होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उसका अफेक्ट उन सारे लोगों पे पड़ता है जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये सिन का अफेक्ट है कि जब कोई व्यक्ति पाप में चला जाता है, जब कोई प्रभु की आज्ञा नहीं पालन करता, उसके कारण और बाकी सारे लोग भी तकलीफ में रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, लीडर है अच्छी बात है, और लीडर के पीछे बहुत लोग हैं अच्छी बात है, लीडर लीड कहाँ कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे उस चर्च में 1,000 है, उसमें 5,000 है, उसमें 10,000 है, उस चर्च में 1,00,000 है, नहीं वो बड़ा लीडर है, वो बहुत फेमस लीडर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लीडर तो लीडर है, लीडर का काम है लीड करना, लीडर लोगों को कहाँ लीड कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही व्यक्ति अब सबको डिसोबीडियंस में लीड करता है और सबको उस फिलिस्तीनियों के अधीन कर देता है। फिर वचन कहता है कि अब सॉल को जब मालूम चला कि वो गैत में चला गया है, तब सॉल अब उसे खोजना बंद कर देता है। तो मतलब पहला कंसिक्वेंस क्या है कि अभी दाऊद को एक रिलीफ है, इंस्टेंट एक सिक्योरिटी है, अब सॉल मेरा पीछा छोड़ दिया है। तो दाऊद गैत के राजा को कहता है, मैं 27वें अध्याय की 5वीं पंक्ति में पढ़ रहा हूं, कि अगर मैंने आपकी नजर में कृपा पाई है तो अब मुझे अपने देश में रहने का एक स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं, और आपका सेवक जो है वो आपके जो रॉयल सिटी है उसमें नहीं रहेगा, आप उसको कोई स्थान दे दीजिए जहां वो रहेगा। सो अब पॉइंट देखिए, इसको फॉल्स सिक्योरिटी तो मिली, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये जाके अपने आप को सीधा दुश्मन के खेमे में ले जा रहा है। कई बार आप एक चीज से बहुत लड़े, आप एक चीज, एक पाप जो आपके जीवन में हावी होने वाला था, आप उससे बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किए, बहुत जीते, लेकिन तकलीफ आने के बाद कई बार आप उसी पाप में जाके अपने दुश्मन की ही शरण में चले जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा हो सकता है कई बार लाइफ में। और ये जब वहां जाता है, ये अब अपने आप को अपने दुश्मनों के अधीन कर देता है, मतलब अब हम अपने दुश्मन की सेवा करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर के राज्य में होते हैं, लेकिन सेवा फिर शैतान की करने लग जाते हैं। क्यों? उनको अपनी प्रॉब्लम से निवारण चाहिए। वचन कहता है 6:6-7 में कि और आशीष ने उसे जिकलैग दिया, जिकलैग जगह का नाम है, इसीलिए जिकलैग आज तक यहूदा के राजाओं के पास है। ये जो आज्ञा पालन में नहीं चलना है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो महीने का। अभी शुरू में आप लोग को लगता है कि अभी हो जाएगा, कल बदल जाएंगे, हम तो इतने साल से विश्वासी हैं, प्रभु के साथ ठीक रहे, आज का दिन कल का दिन, और ये बहुत लंबा हो जाता है कई बार। जब एक व्यक्ति आज्ञा पालन में नहीं जीता, वो टाइम देखते देखते कब लंबा हो जाता मालूम नहीं चलता। ये अब 16 महीने, 16 months उस फिलिस्तीन देश में दुश्मन की सेवा में जी रहा है। और जो आज्ञा नहीं मानने का जो खिंचाव होता है, वो कई बार इतना स्ट्रांग होता है कि उसका प्रभाव, आप ठीक हो जाए उसके बाद भी आपकी मेमोरी में आपको वो चीज हर्ट करती है। ऐसी अब्राहम के साथ हुआ था, वो इजिप्ट जाता है, मिस्र जाता है, और वो लंबे समय के लिए वहां रहता है, उसका उसके जीवन पर उस चीज का प्रभाव रहता है। अब दाऊद स्थान में फिलिस्तीन में 16 महीने, इसने कोई भक्ति नहीं की, इसने कोई गीत, ये इसराइल का गायक, ये भजन लिखने वाला, अब कोई भजन नहीं लिखता है, मतलब इन 16 महीनों में यहाँ, क्योंकि आप दुश्मन के खेमे में प्रभु के गीत नहीं गाते। हम दुश्मन के खेमे में प्रभु के गीत नहीं गाते, ये वहां है जहां इसका दुश्मन है, ये दुश्मन के अधीन हो गया, तकलीफ इसको घुमा के उसी दुश्मन के अधीन लाई जिस दुश्मन को इसने कई बार कुचला था। यहाँ 16 महीने रह के इसने एक भी भजन नहीं लिखे, तो अब ये खुश था कि सॉल इसका पीछा करना बंद कर देता है। मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिए, इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन, इसराइल का दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन है, मतलब अब दाऊद परमेश्वर के दुश्मन के पास शरण ले लेता है। और दाऊद क्या करता है, ये टाइम टू टाइम जाके लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन ये झूठ बोलता है, ये इसराइल के दुश्मनों से ही लड़ता है, लेकिन ये आके फिलिस्तीन के उस गैत के राजा को बोलता है कि मैं दूसरों से लड़के आया हूं। तो फिलिस्तीन के राजा को लगता है ये इसराइल से लड़ रहा है, लेकिन वो झूठ बोलता है। और हम जब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, हमको झूठ बोलने पड़ते हैं, हम गलत चीजों में फंस जाते हैं, हमको धोखा देना पड़ता है, हमको डबल लाइफ जीनी पड़ती है, हमको दिखाना पड़ता है कि हम कुछ हैं जो हम कई बार नहीं होते।
और जब ये वहां लड़ने जाता है ये सारे लोगों को मार देता है ताकि कोई भी प्रूफ नहीं रहे और राजा के पास इसकी बात नहीं जाए कि ये अभी तक इसराइल के लिए लड़ रहा है या इसराइल के ही दुश्मनों से लड़ रहा है। अब इसका अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट हमने पहले देखा कि ये डिसोबीडियंस आ गया नहीं मानना थोड़े समय के बाद बढ़ता गया, मतलब ये इसका अंतराल बढ़ता गया, ये 16 महीने तक चला। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, लेकिन अब आप दुश्मन की सेवा करें। इसराइल का अभिषेक और अगला राजा चुना हुआ व्यक्ति अब इसराइल के दुश्मन की सेवा कर रहा है। हो सकता है आज आपकी लाइफ की परिस्थिति भी ऐसे हो, आप है प्रभु के लेकिन सेवा दुश्मन की कर रहे हैं, आपने अपनी परिस्थिति ऐसे कर ली कि आप बिल्कुल दुश्मन के अधीन हो गए। अब यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई होने वाली है, और अब ये जो आशीष बोलता है फिलिस्तीन का राजा कि तुम अब हमारे साथ लड़ने जाओगे, तो अब दाऊद तैयार है इसराइल के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि अब दाऊद को जब वो वहां रहता है तो फिलिस्तीन का राजा उसको पसंद करता है क्योंकि उसने दाऊद में कोई खोट नहीं देखी। लेकिन फिलिस्तीन के बाकी जो और सैनिक और जो ऊंचे पद के लोग होते हैं वो अब बिल्कुल नाराज हो जाते राजा से कि तुमने एक इसराइली को क्यों रखा है, ये क्या हो रहा है, अगर वो सेना में हमारे साथ लड़ेगा और अगर वो दुश्मन निकला तो हमारे को तकलीफ होगी। तो अब दाऊद के ऊपर इस चीज का उल्टा प्रभाव आ रहा है, पहले अब उसकी आइडेंटिटी खो दी है वो, अब वो किसी देश का नहीं है, ना वो इसराइली है ना वो फिलिस्तीनी है, वो अपनी पहचान खो देता। और कई विश्वासी ऐसे होते भूल जाते कौन है, वो भूल जाते वो कौन है। कई जब हम लोग अंडर अटैक होते हैं, जब हम लोग के माइंड्स काम नहीं करते, हम भूल जाते हम कौन है, हम भूल जाते हमने कैसी जंगें जीती, हम भूल जाते हैं हमने प्रभु को कितने चीजों के लिए उस पर विश्वास किया, हम भूल जाते हैं प्रभु ने कितने भारी रूप में हमारे जीवन में काम किया, हम वो भविष्यवाणियां भूल जाते हैं, हम गॉड के प्रोमिसेस भूल जाते हैं, हम उसका वर्ड भूल जाते हैं, हम प्रभु की अच्छी बातें भूल जाते हैं और आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, वो कौन है वो भूल गया। अगला अभिषिक्त राजा दुश्मन की सेवा कर रहा है और अपनी पहचान खो दिया, ना घर का ना घाट का, अब किसी देश का नहीं है वो। और फिर जब ऐसा होता है आदमी अपना सेटिस्फेक्शन भी खो देता है। अब आशीष बोलता है कि तुम मेरे साथ अब लड़ने नहीं जा सकते क्योंकि फिलिस्तीन के बाकी जो सेना है वो इस बात के विरुद्ध है, मैंने तुम पे कुछ गलत नहीं पाया, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, तुम वापस जिकलैग लौट जाओ। देखिए जब हम प्रभु से दूर जाते हैं उससे कंसिक्वेंसेस तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, और उसका एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंस है कि आदमी अपना पूरा आनंद खो देता है। एक सीजन है जहां दाऊद बिल्कुल सॉल की तरह जी रहा है, और अब जब सॉल के साथ वो युद्ध होना था प्रभु ने दाऊद को बचा लिया, दाऊद वहां नहीं जाता। और अब इस पॉइंट पे मैं चाहता हूं ये स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां ध्यान से सुनना है। अब दाऊद को जंग में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है, और आपको यदि याद है दाऊद जिकलैग रहता था तो उसको जिकलैग बोल के जगह दी हुई थी। और इस बीच दाऊद लड़ रहा था मालिकियों से और प्रभु के दूसरे दुश्मनों से, इसराइल के दूसरे दुश्मनों से, और उनको पूरा नष्ट कर दिया उसने। अब जब ये और इसके 600 लोग वहां से लौटे हैं तो इनको क्या खबर मिलती है, ये जब वहां जाते हैं अपने शहर में जाते हैं जो शहर इनको दिया जाता है, तो वचन कहता है 30वें अध्याय के 1-4 पंक्ति में कि जब दाऊद और उसके लोग जिकलाग तीसरे दिन पहुंचे तो अमालकियों ने जिकलैग पर प्रहार किया था और पूरे शहर को जला दिया। और जब दाऊद शहर पे आता है देखता है शहर पूरा जला हुआ है, मतलब सब कुछ नष्ट किया हुआ है, और उनके बीबी बच्चे उनकी बेटियां सब बंदी बना के वो ले जाते हैं। और फिर दाऊद और जो सारे लोग वहां थे वो अपनी आवाज उठाकर रोते हैं, और तब तक रोते हैं जब तक उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती। ये सर्विस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से इस मैसेज को सुनिए। अभी दाऊद जिकलैग वापस आता है अपने सैनिकों के साथ और इनके पीछे अमालकी वहां आते हैं और वो पूरा शहर नष्ट कर देते हैं, सब कुछ जला के जमीन तक ले आते हैं। और उनके माइंड में क्या आता है कि वो उनके बीवी बच्चों को मारते नहीं है, वो उन सबको कैद करके ले जाते हैं। अब दाऊद यहाँ जिकलैग में नहीं था तो उसके दुश्मनों को ये मौका मिला, वो आए और वो अपना बदला लेने के लिए सब कुछ ले गए। अब मैं चाहता हूं एक बार हम लोग पहले दाऊद की पोजीशन देखें, ना घर का ना घाट का, ना इसराइल का ना फिलिस्तीन का, प्रभु से दूर एक मोमेंट में वो अपना सब कुछ खो देता है, सारी पोजेशन मतलब सारे घर वर सब जला दिए गए, सारी चीजें सारे उनके जो मूल्यवान चीजें थी वो ले गए, उनके बीवी बच्चे सब ले गए। और अगर आपके दुश्मन के कैद में आपकी बीवी बच्चे तो आप वह सोच सकते, क्योंकि दाऊद ने कभी दया नहीं दिखाई थी उन पर, तो ये सोच ही उन पे कितनी भारी होगी। तो ये अब दाऊद आइडेंटिटी खोता है, अपना सेटिस्फेक्शन खोता है, अब वो डिप्रेस हो जाता है, वो टोटली डिप्रेशन में, और वो इतना रोते हैं कि अब उनमें रोने की और स्ट्रेंथ नहीं बचती। अब दाऊद और दुखी हो जाता है क्योंकि अब सब लोग बोलते हैं कि दाऊद की गलती है, दाऊद के कारण ऐसा हुआ,
हम इसको पत्थर मार के मार डालेंगे। मतलब वो दाऊद से इतना नाराज हैं कि वो दाऊद को पत्थर मार डालना चाहते हैं। और सोच के देखिए क्या डिस्करेजमेंट है, उन्होंने अपने घर खो दिए, अपने प्रॉपर्टी खो दी, अपने बीवी बच्चे खो दिए, और अब दाऊद ने और जब उनकी सेना ने अमालिकियों के साथ कभी दया नहीं दिखाई, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या उनके बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, उन्होंने एक बार में सब कुछ खो दिया। और जब हम लोग डरते हैं, हम लोग हमेशा वर्स्ट इमेजिन करते हैं। 2020 के लिए प्रोफेटिक वर्ड है ये, ध्यान से सुनिए। उस समय दाऊद को कुछ याद आता है जो दाऊद बहुत समय से भूला हुआ था। He was a man of God। वो जाता है और वचन कहता है And David encouraged himself in the Lord। अगर आप प्रभु के चेले हैं, आप कुछ समय तक प्रभु में बढ़ गए हैं, तो ये चीज हर विश्वासी को आना चाहिए। एक समय रहता कोई आपके पास नहीं है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे अपनी गलतियों से, जीवन की तकलीफों से, आप हो सकता अकेलेपन में हो। ये हर विश्वासी को आना चाहिए, अपने आप को प्रभु में कैसे एनकरेज किया जाता है। कभी कभी टाइम आता आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा अपने आपको एनकरेज करने के लिए, उस समय केवल आप अकेले होंगे। और उस समय एक विश्वासी को आना चाहिए कैसे अपने आप को वो प्रभु में उत्साहित कर सकता है। वचन कहता है कि दाऊद जाता अपने आप को प्रभु में उत्साहित करता है। और अगर किसी को समझना है दाऊद अपने जीवन में कोई जंग क्यों नहीं हारता है, उसका रीजन ये है, वो प्रभु से पूछता है, वो प्रभु से इंक्वायर करता है, वो हर बार प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं लड़ू कि नहीं लड़ू, मैं जीतूंगा कि नहीं, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रॉब्लम है हमें से बहुत से लोग प्रेयर नहीं करते, लेकिन इस साल का जो वर्ड है 2020 में प्रभु आपसे ये कह रहे हैं, प्रभु मुझसे ये कह रहे हैं। सुनिए दाऊद पूछता है प्रभु, मैं 33वें अध्याय की 7वीं और 8वीं पंक्ति में, कि दाऊद प्रभु से पूछता है कि क्या मैं उनका पीछा करूं, क्या मैं उनको ओवरटेक कर पाऊंगा। अब प्रभु ने जवाब दिया, प्रभु आज आपको बोल रहे हैं, सुनिए तुम पीछा करोगे, तुम ओवरटेक करोगे, तुमने जो खोया तुम रिकवर करोगे। ये इस साल का प्रोफेटिक वर्ड है, इस साल का शुरुआत में प्रभु ने मेरे को दिया और मेरी लाइफ में वैसी ही चीजें जा रही हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं, प्रभु मेरे से कह रहे हैं, तुम पीछा करोगे, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, तुम ओवरटेक करोगे, और तुम्हारा तुमने जो खोया है तुम उसको रिकवर करोगे। देयर इज द मैन जो गॉड को जानता है। आमेन। इसको अब याद आया हमको प्रेयर करना है, इसको अब याद आया कि हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं, जब कोई नहीं है मेरे साथ गॉड है। और ये दाऊद के सक्सेस का सीक्रेट है उसकी लाइफ में, मतलब मैंने प्रभु से यही मांगा, मेरी यही अभिलाषा रही, मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में रहूं, मैं उससे पूछूं। आपने सब सुन लिया, लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, प्रभु आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से। प्रभु कहते हैं तुम पीछा करोगे, तुम ओवरटेक करोगे, और जो कुछ तुमने खोया तुम उसको रिकवर करोगे। मेरा पॉइंट, क्या आप बिलीव कर सकते हैं लॉर्ड को इस साल अद्भुत रूप से वो सारी चीज रिकवर करने के लिए जो आपने खो दी है। अब आपने क्या खोया मुझे नहीं मालूम, आपकी क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम। प्रभु के पीछे चल के हो सकता है आपके दुश्मन आप पे हावी हो गए, किसी ने अपना बिजनेस खो दिया, किसी ने अपना काम खो दिया, और किसी की मैरिड लाइफ हो सकता है खराब हो गई हो, किसी की लाइफ में कोई कौन सी प्रॉब्लम है नहीं जानता, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं तुम पीछा करोगे, तुम उनको ओवरटेक करोगे, और तुम वो सारी चीज रिकवर करोगे जो तुमने खोई है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस वर्ड को, ये वर्ड है 2020 में, दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग, तुम पीछा करोगे और तुम रिकवर करोगे। मैंने प्रभु से यही मांगा, मेरी यही अभिलाषा रही कि मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूं, मैं उससे पूछूं। ये डाउट का सीक्रेट था, उसके सक्सेस का सीक्रेट, आस्किंग द लॉर्ड, प्रभु से पूछना, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे तुम करो, तुम जाओ, तुम रिकवर करोगे। लॉर्ड मैंने गलतियां की, लॉर्ड आई एम मेस्ड अप, बट प्रभु मैं आपके पास आता हूं, अब प्रभु ये सिचुएशन है आप क्या बोलते हैं। लॉर्ड मेरे से मिस्टेक हुई, ओके लॉर्ड हो सकता है आपसे मिस्टेक भी नहीं हुई है, आप सिर्फ एक बुरे टाइम से, लॉर्ड मैं बुरे टाइम से जा रहा हूं, नो डाउट मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे माइंड में डाउट्स भरे हुए हैं, मैं सोच रहा हूं मेरी लाइफ कभी ठीक होगी कि भी नहीं। लॉर्ड मैं बहुत टेम्पटेड हूं गलत रास्ते में जाने के लिए, बट ये सिचुएशन है, आप क्या बोलते हैं। लॉर्ड बोलते हो तुम जाओ, तुम पीछा करो, तुम ओवरटेक करो, तुम रिकवर करोगे। दिस इज द वर्ड, तुम ओवरटेक करोगे। देखिए जब आपके पास एक श्योर वर्ड होता है, आपकी लड़ाई का तरीका बहुत बदल जाता है, आपके जीने का तरीका बहुत बदल जाता है। कई बार हम लोग को सिर्फ एक वर्ड चाहिए गॉड से जो पूरी सिचुएशन को बदल देता है, सिर्फ एक वर्ड। कई बार गॉड प्रभु का एक शब्द लाइफ को टर्न अराउंड कर देता है। गॉड प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभु से, बहुत लोगों को फुर्सत नहीं, प्रभु क्या बोल रहे हैं। और हम जब सिचुएशन से तकलीफों से घिरे रहते हैं उस समय दिमाग में नहीं आता प्रभु क्या बोल रहे हैं। एक बार प्रभु बोल दे, प्रभु बोल रहे तुम पीछा करो, तुम ओवरटेक करोगे, और तुम वो सब जो तुमने खोया
तुम रिकवर करोगे। नाउ दिस मैन, इस आदमी के पास अब प्रभु से एक वर्ड है और ये वर्ड बिल्कुल श्योर है, प्रभु झूठ नहीं बोलते। जो अपना भरोसा प्रभु पे डालता है वो निराश नहीं होते, उनका मुंह काला नहीं होता। अब दाऊद 600 लोग लेके निकलता है, जब तक नदी के बगल में आता है उसमें से 200 लोग को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो 200 लोग बिल्कुल थके हुए होते हैं, बिल्कुल पस्त होते हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं रहती, वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो दाऊद 200 लोग को वहां छोड़कर 400 लोगों के साथ वहां आगे जाता है। और अब ये प्रभु की कृपा देखिए कि उसको एक मिस्र का कोई व्यक्ति मिलता है, एक जवान लड़का मिलता है जिसको अमालकी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बीमार था, तो वो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। ये जाके उसको पानी देता है, उसको खाना खिलाता है, और थोड़े समय में इस व्यक्ति में वापस जान में जान आ जाती है, क्योंकि ये 3 दिन से ना खाया था ना पिया था। तो दाऊद इससे पूछता, तुम कहाँ के हो, कहाँ से आ रहे हो? तो कहता है, मैं मिस्र से हूँ, मैं अमालकियों का सेवक हूँ, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं 3 दिन पहले बीमार पड़ गया था, उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। हम जूदा के दक्षिण में हमने रेड मारी थी और हमने जिकलैग को जला दिया और जो कुछ था वो ले गए। तो दाऊद बोलता है, क्या तुम मेरे को उनके पास ले जाओगे? तो बोलता है कि पहले आप स्वेयर करो, आपकी कसम खाओ कि आप ना तो मुझे मारोगे ना मेरे को मेरे मालिकों के हाथ में दोगे। तो दाऊद उसको प्रॉमिस करता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु की कृपा देखिए। और फिर दाऊद जाता है, और जब ये सेवक उनको दाऊद को वहां लेके जाता तो देखता है कि ये अमालिकी लोग खा पी रहे थे, ये खा पी के आनंद मना रहे थे, डांस कर रहे थे। तब दाऊद जाता है और उनको भोर से लेकर, सवेरे भोर से लेकर अगले दिन तक उनको मारता है और कोई बचता नहीं है। और जो कुछ दाऊद ने खोया था, जो कुछ उन 600 लोगों ने खोया था, उनकी सारी संपत्ति, दाऊद की दोनों पत्नी, सबके सारे बच्चे, सब कुछ वापस लेके आते हैं, उनका कुछ भी नहीं खोता। टोटल रिकवरी, आज प्रभु यही बोल रहे हैं, तुम रिकवर करोगे, तुम पीछा करोगे, तुम ओवरटेक करोगे और रिकवर करोगे। जब लाइफ टफ है, जब हार के बाद हार मिले, जब हर जगह से निराशा मिले, जब कभी काम नहीं बने, जब टेम्पटेशन से घिरे हों, जब लगा कोई काम नहीं बनेगा, जब दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर उस समय कोई प्रभु की आवाज सुन ले, लाइफ का डायरेक्शन हमेशा के लिए चेंज होता है। प्रभु बोल रहे, तुम रिकवर करोगे, तुमने जो खोया तुम वापस पाओगे। अब एक सवाल है कि आपने क्या खोया है, ये मुझे नहीं मालूम आपने क्या खोया, लेकिन प्रभु के पीछे चलते हुए हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई और आप कुछ चीजों को, आपकी बहुत सी आशीषें आपके हाथ से निकल गई। आज प्रभु आपको बोल रहे हैं, तुम पीछा भी करोगे, तुम ओवरटेक भी करोगे और तुम अपना सब कुछ रिकवर भी करोगे। क्या आप बिलीव करते हैं आज प्रभु का ये वर्ड आपको है, और क्या आप उसके अनुसार आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं?